टेलीविजन उपकरणों की संख्या बढ़ने के साथ ही फिल्म दिखाने वाले केंद्र कम होने लगे। 1960 के दशक तक 5 करोड़ 20 लाख अमेरिकी घरों में टेलीविजन पहुंची थी, जो 2006 तक लगभग 28 करोड़ 50 लाख हो गई। वहीं सन 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत की गई। सन 2007 तक भारत के करीबन 12 करोड़ घरों में टेलीविजन पहुंच गई। इस दौरान टेलीविजन प्रसारण की तकनीक एंटीना, केबल, सैटेलाइट बॉक्स आदि में भी निरंतर सुधार होते रहे हैं। 1975 तक भारत के 7 शहरों में ही टेलीविजन मौजूद थी, जिसमें रोज कुछ घंटों तक न्यूज बुलेटिन और अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। 1982 में उस समय के एकमात्र टेलीविजन चैनल दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय एकता, कृषि साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण के कार्यक्रमों के प्रसारण के माध्यम से सामाजिक बदलाव का कारक बनना दूरदर्शन का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अंतर्गत राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले सीरियल जैसे हम लोग, बुनियाद प्रसारित किए गए। इसी दौर में दूरदर्शन के द्वारा हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिक रामायण एवं महाभारत प्रसारित किए गए। जिन भारतीय घरों में टेलीविजन मौजूद थी, वहां अधिक से अधिक संख्या में दर्शक इन धारावाहिक कार्यक्रमों को देखने इकट्ठे होते थे। दर्शकों की विशाल संख्या के कारण इन धारावाहिक कार्यक्रमों ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 1980 के दशक के आखिरी वर्षों से भारत में अधिक से अधिक लोग टेलीविजन सेट खरीदने लगे। इसी अवधि में दूरदर्शन के माध्यम से प्रादेशिक खबरों का प्रसारण भी शुरू हुआ। 90 के दशक के आरंभ में भारत में व्यावसायिक या निजी टेलीविजन चैनलों स्टार टीवी, जी टीवी, सन टीवी, CNN की शुरुआत हुई। दूरदर्शन से अलग नए टेलीविजन चैनलों की रणनीति अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित थी। यह व्यावसायिक टेलीविजन चैनल अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। टेलीविजन के माध्यम से दर्शकों की बड़ी संख्या तक किसी उत्पाद की जानकारी पहुँचाई जा सकती है, साथ ही दर्शकों को उन उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचने और लाभ की प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक टेलीविजन चैनलों को लगातार नए विषयों, थीम की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक चैनलों के आने के बाद मनोरंजक कार्यक्रमों और टेलीविजन में विज्ञापनों की संख्या बढ़ने लगी। परंपरागत पितृसत्तात्मक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले किसी एक भारतीय परिवार के सदस्यों के आपसी विवाद व महिला पात्रों की बहुलता वाली कहानियां बहुत से व्यावसायिक चैनलों की मुख्य थीम बन गई। व्यावसायिक कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं के विक्रय को बढ़ाने और उसे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उनके विज्ञापनों में फिल्मों के अभिनेताओं, अभिनेत्रियों व जाने माने लोगों का उपयोग करती हैं। भारत में 20वीं सदी के आखिरी दशक तक मनोरंजन एवं प्रौद्योगिकी का रूप ग्रहण कर लिया।